So, hello everyone, this is Harsh Sharma from BSc Scholar CSE UET Kanpur. Now, today I am going to discuss about Soil Health Card. Soil Health Card जो कि भारत सरकार की स्कीम है और ये 5 दिसंबर 2015 में प्रारंभ की गई थी. और क्या है Soil Health Card, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आज इसकी हम फुल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं. और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बेल आइकन को ऑन कर दें और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और लास्ट में इसके हम सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं. तो चार पांच चीज़ों को लेकर के हम सॉइल हेल्थ कार्ड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं. तो सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, ये क्या है, एक मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये स्कीम लाई गई थी. ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लाई गई थी. ठीक है, और ये जो मतलब कि जब ये स्टार्ट किया गया था वो 5 दिसंबर 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था. किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक है, आप देख लेते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं. ठीक है, तो पहला लिखा है कि टू इशू SCH यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर एवरी 3 ईयर सो एज टू प्रोवाइड बेसिस टू एड्रेस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो ये जो आपके लिए मतलब जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड, ये एवरी ये 3 ईयर्स पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा फार्मर्स को. ठीक है, किस लिए, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स आप अपनी फील्ड या क्रॉप के लिए जो फार्मर सप्लाई करते हैं, तो उसमें किन किन न्यूट्रिश जो मतलब कि एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी है, उसको पता करने के लिए. ठीक है, तो ये एवरी 3 ईयर्स पर ये क्या किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को. ठीक है, सेकेंड क्या है, टू स्ट्रेंथन फंक्शनिंग ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एंड इफेक्टिव लिंकेज विथ ICAR एंड SAU ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे और जो मतलब कि एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा. ठीक है, जिससे कि हम सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी को और ज़्यादा हम मजबूत बना सकें. ठीक है, तो ये सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव हो गया. नेक्स्ट क्या है, टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल स्टाफ एंड ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर फॉर प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस. तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर. ठीक है, और जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो सफल किसान हैं, उनको प्रमोशन के द्वारा. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स इन द कंट्री. और जो मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पूरे ऑल इंडिया में सभी किसानों को, सभी फार्मर्स को ये सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मतलब किया जा रहा है, नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट सॉइल हेल्थ टेस्ट बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. तो जो मतलब कि सॉइल हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट कैसे होगा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपका सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू होगा. ठीक है, तो उससे सॉइल की जो क्या होगी, हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी. ठीक है, जो जो न्यूट्रिएंट उसको चाहिए वो उसमें मेंटेन रहेंगे. नेक्स्ट क्या है, द स्कीम आल्सो फोकस ऑन इनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट. मतलब कि जब स्किल डेवलप हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन इसमें देखने को मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स.
तो कंपोनेंट्स ऑफ HSCS यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है, बेसिकली फोर कंपोनेंट हैं किसके, सॉइल हेल्थ कार्ड के। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इशू ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स, तो एम टू पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल फार्मर्स। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, इशू ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड। सेकेंड क्या है, ट्रेनिंग फॉर सॉइल एनालिसिस, सॉइल मृदा विश्लेषण के लिए उसको ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो ट्रेनिंग टू सॉइल केमिस्ट स्टूडेंट फॉर आर एनालिसिस एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन विल बी ऑर्गेनाइज एट SAU यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और ICR के जो इंस्टीट्यूट हैं पूरे ऑल इंडिया में, उनके थ्रू ये ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिस और केमिस्ट को जो सॉइल केमिस्ट है, सॉइल एनालिसिस के लिए और फर्टिलाइजर्स को रिकमेंड करने के लिए, मतलब सॉइल को एनालिसिस करने के बाद किन किन एलिमेंट्स की पर्टिकुलर फार्मर्स के सॉइल में उस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो रिकमेंड करेगा। तो ये सब ट्रेनिंग आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी और ICAR के इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थर्ड क्या है कंपोनेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पैकेज ऑफ न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स टू अप्लाई करेक्टिव मेजर्स फॉर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है। जो लास्ट कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ कार्ड का, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन फार्मर्स वेलफेयर। सो ओरिएंटेशन फॉर टेक्निकल एंड लाइन स्टाफ अलॉन्ग विथ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड ICR इंस्टीट्यूशन विल बी कंडक्टेड बाई स्टेट्स। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड का। तो बेसिकली फोर हैं इसके कंपोनेंट, इश्यू ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, ट्रेनिंग फॉर सॉइल एनालिसिस, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पैकेज ऑफ न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन, ये आप मतलब कि इसको ट्रेनिंग के थ्रू जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ICR के इंस्टीट्यूशन ये आपको बताएंगे रिकमेंडेशन। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के। तो सॉइल हेल्थ कार्ड इज़ अ प्रिंटेड रिपोर्ट दैट अ फार्मर्स विल बी हैंडेड ओवर फॉर ईच ऑफ हिज होल्डिंग, मतलब अपनी फील्ड के लिए एक प्रिंटेड रिपोर्ट उसको होती है उसके फार्मर्स के पास। नेक्स्ट क्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स ऑन न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सॉइल अलॉन्ग विथ रिकमेंडेशन ऑन appropriate doses of nutrient to be applied for improving soil health and its fertility। तो soil health card क्या farmers को बताता है कि कौन कौन से fertilizers की deficiency है आपकी उसकी field में और किन किन fertilizers की recommendation के through आप अपनी soil में उन nutrient की जो deficiency है उसको पूरा करेंगे और soil की improving health improve होगी और उसकी fertility improve होगी। Next बात करते हैं, इट विल कंटेन द स्टेटस ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर नेमली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिकली 12 पैरामीटर्स पर वर्क करता है, सॉइल के 12 पैरामीटर पर वर्क करता है, pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन डेट इज OC, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, एसेंशियल एलिमेंट्स, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, माइक्रो एंड मैक्रो, बोथ एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन अंडर 12 पैरामीटर ऑफ सॉइल स्टेटस। तो जो मतलब आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है बेसिकली 12 पैरामीटर ऑफ सॉइल स्टेटस के एस्पेक्ट पर वर्क करता है, pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन, NPK, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड टू सेट्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर 6 क्रॉप्स इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। फार्मर्स कैन आल्सो गेट रिकमेंडेशन फॉर एडिशनल क्रॉप ऑन डिमांड। तो
फार्मर्स मतलब कि जब एडिशनल क्रॉप की डिमांड होती है तो उसके लिए भी फार्मर्स रिकमेंडेशन ले सकते हैं और अपनी फर्टिलाइजर्स को उसमें अप्लाई करेंगे। देखें ना, सो प्रिंट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? प्रिंट कार्ड है ऑन देयर ओन फ्रॉम पोर्टल, यानी कि SAC सॉइल हेल्थ कार्ड के पोर्टल पर फार्मर्स इसको प्रिंट ले सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल हैज़ अ फार्मर डाटाबेस ऑफ बोथ द साइकिल्स, रबी एंड खरीफ, एंड इज अवेलेबल इन 21 लैंग्वेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 21 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है और बोथ साइकिल इन रबी एंड खरीफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंडर द स्कीम विलेज यूथ एंड फार्मर अप टू 14 ईयर्स, मतलब कि विलेज यूथ जो हैं और जो फार्मर्स हमारे 40 ईयर्स तक हैं उनको मतलब क्या एलिजिबल है किसके लिए, सेटअप करने के लिए, मतलब अपना सेटअप स्टार्ट करने के लिए सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज एंड अंडरटेकिंग टेस्टिंग। असिस्टेंस इज प्रोवाइड टू फार्मर्स 2,500 पर हेक्टेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर, सेकेंड इज फॉर सेटिंग अप मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स। तो असिस्टेंस ये प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेशन क्या है, इम्प्लीमेशन भी देख लीजिए। तो इम्प्लीमेशन क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, विल कलेक्ट सैंपल्स थ्रू द स्टाफ और देयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और थ्रू द स्टाफ ऑफ एन आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट सॉइल को सैंपल को सेलेक्ट करेगी। नेक्स्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट में आल्सो इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स ऑफ लोकल एग्रीकल्चर और साइंसेस कॉलेज, मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, सॉइल सैंपल और अदर वर्क के लिए वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। थर्ड वन इज, इट विल बी मेड अवेलेबल वन इन अ साइकिल ऑफ 3 ईयर विच विल इंडिकेट द स्टेटस ऑफ सॉइल हेल्थ ऑफ अ फार्मर्स होल्डिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो ये पर 3 ईयर, मतलब कि 3 ईयर के बाद ये अवेलेबल होगा और उसमें आपकी सॉइल स्टेटस क्या है आपकी सॉइल का वो बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि द सॉइल हेल्थ कार्ड गिवन इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ 3 ईयर्स विल बी एबल टू रिकॉर्ड द चेंज इन द सॉइल हेल्थ फॉर दैट सब्सिक्वेंट पीरियड, मतलब कि सॉइल हेल्थ कार्ड आपको पर्टिकुलर 3 ईयर के पीरियड के बाद आपको उसमें मिलेगा, फिर उसके बाद आपके जो 3 ईयर में कितना चेंजेस हुआ है आपके सॉइल हेल्थ के स्टेटस में वो उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है, सॉइल सैंपल्स विल बी ड्रॉन इन अ ग्रिड ऑफ 2.5 हेक्टेयर इन इरीगेटेड एरिया एंड 10 हेक्टेयर इन रेनफेड एरिया विद द हेल्प ऑफ GPS टूल्स एंड रेवेन्यू मैप्स। नाउ लास्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड। तो डिटेरियोरेशन ऑफ सॉइल केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हेल्थ इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। नेक्स्ट इज अ 2017 स्टडी बाय द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, डेट इज NMPC नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, फाउंड दैट द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हैज़ प्रोमोटेड सस्टेनेबल फार्मिंग एंड लेड टू अ डिक्रीज ऑफ यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन द रेंज ऑफ 8-10%। मतलब कि जब सॉइल हेल्थ कार्ड स्टार्टिंग कब हुई, 5 दिसंबर 2015 में, और ये एक डाटा रिकॉर्ड किया गया 2017 में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के थ्रू, तो पाया गया कि सॉइल हेल्थ कार्ड के मतलब कि प्रयोग में लाने से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या मिला है, एक प्रमोटेड हुई है, बढ़ी ही आगे, और जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे थे बिना किसी रिकमेंडेशन के उसमें भी 8-10% की कमी आई है। नेक्स्ट है कि इट इज़ आल्सो रिपोर्टेड एन ओवरऑल इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप टू द टन ऑफ 5-6% ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट एज पर रिकमेंडेशन अवेलेबल इन द सॉइल हेल्थ कार्ड। मतलब कि पर्टिकुलर फार्मर्स का जो सॉइल हेल्थ कार्ड उसमें जो रिकमेंडेशन उसके सॉइल हेल्थ के स्टेटस के अकॉर्डिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक स्टडी की गई है ओवरऑल यील्ड में क्रॉप्स के कितना उसमें मतलब कि पर टन इसमें इंक्रीजमेंट देखा गया है 5-6%, ठीक है,
आगे क्या है कि डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मेन्योर, बर्मी कंपोस्ट, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लाइक नीम, सल्फर कोटेड यूरिया विल इंक्रीज, विच इन टर्न इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एज वेल न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी. नेक्स्ट एंड लास्ट, इट हैज हेल्प फार्मर टू डाइवर्सिफाई टूवर्ड्स लेस इनपुट इंटेंसिव क्रॉप फॉर मोर इनपुट इंटेंसिव क्रॉप लाइक पैडी एंड कॉटन. मतलब कि सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा फार्मर्स को जो हाई इनपुट इंटेंसिव क्रॉप था, जो मतलब कि वो मतलब कि उसको किधर डाइवर्सिफाई कर दिया, टूवर्ड्स लेस इनपुट इंटेंसिव, मतलब कि जो अधिक लागत वाली फसलें थी उधर से उनको कम लागत वाली फसलों की तरफ डाइवर्सिफाई किया. ठीक है, तो ये सब सिग्निफिकेंस थे सॉइल हेल्थ कार्ड के. तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू, जय हिंद.